हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर सिक्स। हमारा सिक्स क्लास का हम एनसीईआरटी देख रहे हैं और हमारा आज छठवां चैप्टर भी, हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न एवं नए विचार। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मैं तो आपको बोलूँगी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी और हिस्ट्री से आते हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस से आते हैं। तो ये सारे आपको कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी और लाइन टू लाइन दे देता है। तो आपको एनसीईआरटी बिना कवर करे तो करना ही नहीं है, क्योंकि अगर एक दो बार दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्क्स कैसे कम हो रहे हैं। देखिए आप बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, और उनका लगभग जन्म कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये याद रखिएगा इनके बारे में। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और कॉमेंट भी कर दीजिएगा, और एक बार वीडियो को सब्सक्राइब भी सॉरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। देखो ये बुद्ध का वही टाइम था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। देखो एंसियंट टाइम बीत गया ना, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जैसे कौन से हो गए थे? मगध के राजा हो गए, वज्जी के हो गए। हजारों साल बाद फिर नए से नगर उभर रहे थे, फिर हजारों के साल के बाद फिर से नगर उभर गए रहे थे, जो हड़प्पा कालीन में जिनका पतन हो चुका था। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। इनके बारे में तो हम चैप्टर 9 में देखेंगे। बहुत से विचार इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, मतलब बहुत से विचारक जो थे इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वो जानना चाहते थे ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ भाई। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, और वो भाई देखो जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, जो शाक्य नाम के एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य कुल के एक गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था, मतलब कि जो हम लोग के एज में वो घर के छोड़ के चले गए थे। अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं क्या किया, रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। हम भाई खुद से कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। इसके लिए उन्होंने बोधगया यानी बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए, ठीक है। वो उसके बाद ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में फिर वो बुद्ध के रूप में कहलाए जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। और एक चीज़ और पूछता है हर बार, तो यहाँ से वो वाराणसी में गए, ठीक है, सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आपसे ये पूछेगा प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। और इनका डेथ कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर जो है, इसको कुशीनारा भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन कुशीनगर है, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने क्या कहा था? जीवन जो है ना कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, और ये ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण। बिल्कुल, अगर हमारी इच्छा ही ना हो, लालसा ही, भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमें मास्टर बनना है ना, पैसा मिले इसलिए, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती कि मतलब कि इसके कारण ही तो हमारा जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। हम कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। देखिए जो हम कभी कभी चाहते हैं ना कि हमें ये मिल जाए और उसको मिल जाता है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। सोचते थोड़ा और अधिक मिल जाए या फिर इससे अच्छा वस्तुओं की पाने की इच्छा करने लगते हैं, मतलब और अन्य चीजें। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपना कर ही ऐसा लालसा से हम मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम से ही मतलब कि हम अपना कर लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के भी आदर करने की शिक्षा दी, मतलब कि दयालु रहो आप, मनुष्य की तो रिस्पेक्ट करो ही और जानवरों की भी करो। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते। बिल्कुल भाई, कर्मा देखो वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, कुछ भी हो जाए। बुद्ध, आप जैसा किसी के साथ करोगे आपके साथ होगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी थी, याद रखिएगा ये चीज़। बुद्ध जो थे ना, मतलब कि अपनी शिक्षा जो है सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी, इससे सामान्य लोग में भी उनके संदेश को समझ सके, मतलब सामान्य लोग भी जो थे उनकी चीज़ों को समझ रहे थे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। हम इसलिए नहीं पढ़े कि हमें पढ़ना है, जॉब करना है, भाई हमें पढ़ के अपने विवेक को मापना है, हमें देखना है कि क्या गलत है क्या सही है। आओ देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया था, इसको देखते हैं।
उपनिषद को देखते हैं। इसी समय मतलब बहुत से दूसरे चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। उनमें से कुछ के मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में मतलब जानने के लिए उत्सुक थे कि यज्ञ के उपयोग में के बारे में क्या कैसे हो रहा है। इसमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म, जिसको हम बोलते हैं सार्वभौम, के रूप में किया है। सही बात है, आत्मा तो हमारा नहीं रहता है ना। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। वे मानते थे कि जो है आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। एक चीज याद रखिए, उपनिषद किसका हिस्सा था? उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। बीएड में तो पढ़ा होगा ना हम लोगों ने, पढ़ा यार, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया जाता था। ठीक है, ये विचार समानता वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये टीचर हो गए, ये बच्चे हो गए, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता था, समीप ही बैठ के तो करते थे। एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, भारत दर्शन की 6 पद्धति, जिसको हम शब्द दर्शन कहते हैं या फिर खट दर्शन भी कहते हैं। सदियों में भारत द्वारा सत्य की भौतिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग्य मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। इन 6 पद्धति की स्थापना क्रमशः किसने की थी? सबसे पहले देखिए, वैशेषिक की खोज किसने की थी? ऋषि कर्णाद ने। न्याय की किसने की थी? गौतम ने। सांख्य की किसने की थी? कपिल ने। और योग की पतंजलि ने, और पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने की थी। और वेदांत या जिसको हम उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं, व्यास द्वारा की गई थी। तो इनका याद रखिए। आज भी देश में बौद्धिक चर्चाओं को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीयविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के रूप में हुआ था। ठीक है, यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न है, ये अलग अलग है। देखो अलग अलग है ना, योग अलग है, सांख्य अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। देखो इन चर्चाओं में अधिकांश कौन भाग लेने वाले होते थे? पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी देखो, कभी कभी ये लाइन कई बार पूछी, कभी कभी गार्गी, अपाला, घोष, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता कि मतलब ये लोग भी थी। कभी कभी याद रखिएगा, मतलब अधिकांश कौन थे? पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा। और उसके बाद कभी कभी स्त्रियों में गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्यता के लिए जानी जाती थी। वाद और ये वाद विवाद में भाग भी लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे, मतलब जिनके निर्धन होते थे, जो गरीब होते थे हम लोग की तरह। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाला का एक अपवाद है, याद रखिएगा। इनका नाम क्या है? सत्यकाम जबाला। सत्यकाम जबाला का नाम उसकी दासी के माँ, जो दासी माँ थी, उनके नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा हुई, मतलब वो सत्य को जानना चाहते थे, जो सत्यकाम थे। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। किसने किया था? गौतम नाम एक ब्राह्मण था, उसने इन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था, तथा वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। और वो अपने टाइम के सर्वाधिक विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारकों के द्वारा किया गया था। इनके बारे में हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर 7th क्लास में। अच्छा, 7th क्लास में। यहाँ से याद रखिएगा, व्याकरणविद पाणिनी। इस युग में अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। इनके प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनी ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी, याद रखिएगा। बस इनके बारे में यही याद रखिएगा। जैन धर्म, इसी टाइम पे जैन धर्म की का भी उत्पत्ति होती। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी ने अपने विचारकों का प्रसार किया था। वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कहाँ के? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वही वज्जी संघ जो महाजनपद था। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा, हमने बताया ना वज्जी संघ। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। किसने? महावीर स्वामी ने। जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया, फिर बाद में उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा जो थी ना, बहुत सरल थी। उनकी शिक्षा जो थी, सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा वो बोलते थे। उन्होंने देखो भाई, घर तो छोड़ना, जैसे हम लोग यार पढ़ने के लिए आए तो घर तो छोड़ा ही है ना। उन्होंने अहिंसा के नियमों के कड़ाई से पालन करने के लिए बताया, अर्थात किसी भी जीव को ना कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा में प्राकृतिक में दिया, इन्होंने अपनी भी शिक्षा प्राकृतिक लैंग्वेज में दी है। यही कारण कि साधारण जन भी उनके तथा अनुयायियों की शिक्षा को समझ पाए, मतलब कि साधारण लोग भी उनके अनुयायी की शिक्षा को समझ पाए, क्योंकि प्राकृतिक भाषा में, और प्राकृतिक भाषा साधारण लोग यूज़ करते थे उस टाइम पे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे।
प्रचलन के आधार पर ही अनेक अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मगधी कहलाती थी, मतलब हर जगह की अलग अलग होती है, जैसे अभी हम लोग क्या भोजपुरी, अवधी, ये सब है ना। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायी को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, वे चोरी नहीं करते थे, उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी कि चोरी नहीं करना, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, मतलब वस्त्र भी ये नहीं पहनते थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजार व्यक्तियों ने ऐसे जीवन शैली को अपनाया, सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, कई अपने घरों पर ही रहकर भिक्खी भिखुड़ियों मतलब भिक्खु भिखुड़ी बनकर लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। ये याद रखिएगा, जैन शब्द निकला है किससे, जिन से निकला, जिसका अर्थ है विजेता, ये भी याद रखिए। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ था क्योंकि वो विजेता थे, इसलिए हुआ था ना। मुख्य व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, व्यापारी मुख्यतः किसने किया था, व्यापारियों ने। किसानों के लिए इस नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सा तथा गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप में रहीं, मतलब सिर्फ बोलते वाचन करते थे, ठीक है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया। ये कहाँ पे रखा है, गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर ये लिखी गई थी और वहीं पे रखा गया हुआ है। इसके पहले ये कैसे होता था, सिर्फ ये लोग मतलब कि एक दूसरे को मुंह से समझाते रहते थे। संघ, महावीर बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे लोगों ने के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने के लिए लोगों को एक साथ रह सके, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। देखो अब यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए नियम का किसमें था, विनय पिटक में। याद रखिएगा, नियम किसमें था, विनय पिटक में। नियम विनय, न यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस न से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, नियम विनय पिटक में था, ठीक है। नियम और विनय पिटक, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघों में पुरुषों से और स्त्रियों की रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। अब आप फिर से कॉमेंट करके बताइए विनय पिटक में क्या था बौद्ध धर्म में। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने दानदारों से और एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे, वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे, मेडिटेशन करके। एक दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे और वो उतना ही मांगते थे जितना उनको खाया मतलब कि आज की यूज़ के लिए है। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुड़ी साधु के लिए प्राकृतिक शब्द का यूज है। ये वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, वे आम लोगों को क्या करते थे जी, शिक्षा देते थे ना, और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठकें भी किया करते थे, मतलब कि एक साथ मिलके सरपंच टाइप का कोई भी चीज़ होता था तो उसकी दिक्कतें सुलझाते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गढ़गाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की है। विहार क्या होता था, बिहार, देखो बिहार जो है ना ये रहने का ही जगह होती थी, जो जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे, उपदेश देते थे, लेकिन सिर्फ केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करते थे उन्हें कठिन होता था क्योंकि वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। जब वे अपने ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्खु भिक्खुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिकांश मतलब अस्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया, ठीक है। आरंभिक विहार, देखो ये एक पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले यानी वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। ये भिक्खु भिक्खुड़ियों इन शरण में स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये लकड़ी के बनाए जाते थे, बाद में इनका निर्माण ईंटों के प्रयोग से भी होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहारों को पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया, कहाँ पे, पश्चिम भारत में। और किससे बनाया गया बिहारों को, पहाड़ियों को खोदकर। प्रायः किसी धन व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुड़ियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्रों में भी ये फैल गया था।
ये चीज़ याद रखिएगा, इस समय बौद्ध बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ था। इसकी दो मुख्य विशेषता थी, पहले मूर्तियों, देखो महायान का विकास हुआ था और इसकी दो मुख्य विशेषता क्या थी, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से होती थी, मतलब उनका कुछ संकेत रहता था, मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति के पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएँ बनाई जाने लगी महायान की तरफ से, इनमें से कुछ अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाया गया था। दूसरा परिवर्तन बोधिस्तु था, बोधिस्तु में आस्था को लेकर आया। बोधिस्तु उन्हें कहते जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। दो नियम आए ना, याद रखिएगा महायान के। धीरे धीरे बोधिस्तु की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी ये फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं क्या है की गई, खोदी गई, ये चीज़ याद रखिएगा प्लीज़। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था, ये याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में अशोक ने तो अपनी बेटी संघमित्रा और उनके बेटे अपने बेटे को भेजा था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक पूर्व रूप इन्हीं क्षेत्रों से मतलब कि प्रचलित हुआ था, थेरवाद, इसको याद रखिएगा। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए मतलब पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेन सॉन्ग जो था ये 1400 साल पहले भारत आया था, करीब 25 साल बाद इत्सिंग आया, सॉरी 50 साल बाद, यार 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब कुछ जीवन में जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, इनके बारे में ज़रूर से याद रखिएगा। जीवन के चार चरण आपको पता है ना आश्रम के, कौन कौन थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक, एक चीज़ इसको मतलब याद रखिएगा, चार चरण आपसे पूछ लेगा, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आता है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, अगर आपको नोट्स लेना हो तो नोट्स कमेंट बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, आप लोग के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है अभी। थैंक यू।